ढोल मजीरा ढोल मजीरा नौबत बाजे बाजे रे शहनाई ढोल मजीरा नौबत बाजे बाजे रे शहनाई देव नारायण बाबा थाने देव नारायण बाबा थाने ध्यावे लोक लगाई ध्यावे लोक लगाई देवरी महिमा है भारी देवरी लीला है न्यारी देवरी मूरत है प्यारी देव से कलयुग अवतारी ये लहरावे ओ हो देवरिये लहरावे मारवाड़ मेवाड़ मार वो साचा मन सुध्यावे ओ हो साचा मन सुध्यावे देव नारायण बाबा थाने देव नारायण बाबा थाने जावे लोग लुगाई जावे लोग लुगाई देवरी महिमा है भारी देवरी लीला है न्यारी देवरी मूरत है प्यारी गांव गांव और घर घर में है थारे नाम रो चर्चो थारे नाम रो चर्चो चरणा में जो शीश नवावे बाने देवे परचो बाने देवे परचो देव नारायण बाबा थाने देव नारायण बाबा थाने जावे लोग लुगाई जावे लोग लुगाई देवरी महिमा है भारी देवरी लीला है न्यारी देवरी मूरत है प्यारी देव से कलयुग अवतारी साडू जी मालासर के डोंगरी पर तपस्या ताप रिया है सुड़ियो के बटे भगवान अवतरित होकर साडू जी की गोदिया आवेगा जी या बात राणका राणा जी ने खबर पड़सी तो साडू जी के सागे सागे आपाने भी मार देवेगा नीम देव तो बगड़ावता और बगड़ावता के रिश्तेदारा को दुश्मन है राणा जी की फौज तगड़ा बगड़ावता ने तो मार दिया अब साडू जी आपाने भी मरवावेगी मैं जाकर बाने समझा बुझा कर अठे ले आऊं जिनसे उनकी जान भी बच जावेगी आपा की मौत भी टल जावेगी मैं जाऊं वीर सवाई भोज के सागे सगड़ा बगड़ावत भाई सगड़ी बगड़ावत पत्नियां और 140 बगड़ावत पुत्र और 100,000 ग्वाला मारा गया पातल जी बताओ ये धरती पर कोई बगड़ावता को प्राणी जीवित है जो भी कोई सरदार बतावे को बी ने बड़ी सु बड़ी जागीर इनाम में दी जाएगी बगड़ावत बाजी को पुत्र भूणो हाल तक जीवे है या कहीं हो सके मैं बिने पकड़कर साथ लाया हां बी बैरी का बेटा ने हाजिर करो मैं बी को माथो काटकर ये धरती से बगड़ावता को ना मिटा दूंगा यूं तो एक ही झटका में बी का प्राण निकल जाएगा मैं बी ने गुलाम बनाकर रखने के लिए पकड़ कर लाया हां वो दास बनकर आपकी चाकरी करेगा वरान को गुलाम पढ़कर ही चीवेगो बुला बैरी बगड़ावत राणा जी की जूतियां साफ कर देखे के है जूतियां साफ कर अरे खुश होकर राणा जी थारी जान बख्श देवेगा मैं बगड़ावता को खून हूँ बगड़ावत या तो गाया की सेवा करे है या पछे दीन दुखिया की के बोले श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः पाए लागो साधु जी श्री कृष्णा साधु जी नापो जी आया है चुक चुक जियो नापो जी कहिया आनो होयो मैं आपने लेवड़ने आयो हूँ नहीं नापो जी अब तुम्हारे बाल गोपाल ने सागे लेकर ही गोठा आऊंगी यो आपको भ्रम है कि भाखर का भाटा में भगवान जन्म लेवेगा जरूर लेवेगा और साधु जी ने दियोड़ो आपका कॉल भी पूरा करेगा बी दिन सु पत्थर भी पूजा जावेगा आपका बाल गोपाल कद अवतरित होवेगा काल सवा पोर सूरज की उगता ही
मारा बाल गोपाल अठे अवतरित होवेगा। झूठा सपना देखने से क्या फायदो? राणा का राणा जी ने यह बात मालूम होवेगी तो वे आपा सगड़ा का माथा काट देवेगा। मन ने तो मरने की चिंता कोनी ना पूजी, जे थे मरने से डरो हूँ तो अठे आया है क्यों? और जे आया हो तो भगवान का दर्शन करके ही जाओ। मारे ऊपर मौत मुसीबत बनकर झपटो मारे, उनसे पहले आप मारे सागे चलो, नहीं तो यह तलवार आपरे ऊपर वार करता शर्म नहीं करेली। नापो जी, मौत साडे माता ने नहीं डरा सके है तो थारी या तलवार ने के डरावेगी? अब जाओ नापो जी, थारी काली घोड़ी के नीलागर बछेरो जन्मे तो यो विश्वास कर लीजो कि भगवान अवतार ले चुका है। जाने है थारी यह उंगली क्यों काटी है? नहीं, थारी यह उंगली इसलिए काटी है कि अब तू राणा जी को गुलाम है। और तू याद रख जे, थारी यह उंगली सातल और पातल काटी है। और बड़ो होकर तू चाहे तो सातल और पातल को माथो काट कर इस खंडित उंगली को बदलो लेकर इस गुलामी से मुक्त हो सके। मैं भूनो जी खांडेराव सौगंध खाऊं हूं कि एक दिन सातल और पातल दोनों को माथो काटर मारी एक कटोरी उंगली को बदलो जरूर लूंगा। भूनो जी, आप? मैं तारा, राणा जी की कुंवरी। भाई, आज राखी को दिन है, मैं थारे राखी बांध के ई भाई बहन के रिश्ते ने पक्को करूं हूं। यो के थारी आंखिया में आंसू? मैं तो समझतो था कि दुनिया में मारो कोई नहीं, पर अब आज आपने जैसे बहन पाकर मारी आंखिया खुशी से भर आई है। मैं ये बंधन ने आखिरी सांस तक निभाऊंगा। दीवा, 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 दीवा। माता खड़ी द्वार मन में छोटी सी आस, माता खड़ी द्वार मन में छोटी सी आस, माता खड़ी द्वार मन में छोटी सी आस। गाय माता का प्रणाम। श्री गाय माता का प्रणाम। कलेवर गाय माता का प्रणाम। पार्वती गाय माता का प्रणाम। काबरा बैल को प्रणाम। आप धन्य हो माजी सा, जो कृष्ण आपकी गोद में खेलेगा। माजी सा, मैं सब उनरा दर्शन करने आया हूं। Bye.
चरण की या पांचवी पुत्र रतन पाकर धन्य हो गई भगवान। लगी है भूख लगी है। माताओं मारे बालक ने भूख लगी है। मैं तो सात जन्म की पांचवी अब और माँ बड़ी हूँ। मारी छाती में दूध है कोनी। आप मारे बालक ने दूध पिलाकर मारे पर उपकार करो। माताओं आपको दूध जीव मात्र के लिए अमृत मान्यो जावेगा। संसार का लोग आपने माता कहकर पूजेगा। गौमूत्र और गोबर पवित्र समझकर पूजो जावेगो। जी घर में पशुधन होवेगो भी घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। धरती दूजी झंडा झुक गया राणा जी चकराया। सवा लाख रो चूडल चटक्यो रानी जी घबराया। नापो जी काली घोड़ी नीलाकर बछेरा ने जन्म दियो है। इको मतलब भविष्यवाणी और साडू जी को सपनो साचो हो। भगवान अवतार ले चुका है। घड़ी खम्मा अन्नदाता झंडो अपने आप ही झुक गयो। धरती धूजन लागी मेला का कांगड़ा टूट गया। हाथी और घोड़ा दाणो पानी छोड़ दियो। घोटा की धरती पर देवनारायण अवतार ले चुके हो राजन। मैं भी ने मार दूंगा। बी का टुकड़ा टुकड़ा कर चारों दिशाओं में फेंकवा दूंगा। भी ने कोनी मार सकोगा। वो बगड़ावता को बैर लेवेगो। वो भक्ता की रक्षा करेगो। किसानों और पशुओं को पालनहार बनेगो। माजी साहब यो टीपनो बालक को पहलो नाम किशन, दूजो नाम धर्मराज, तीजो नारायण, चौथो उदलराज और पांचवो नाम देव बतावे है। ई बालक में देव गुण है। जोशी जी मारे आंगने देव आया है और टीपनो नारायण नाम भी बतावे है। ई लिए मैं मारे बालक को नाम देव नारायण राखसु। देव रूप धारण करके थे जग धरती पर आया। पांच नाव जोशी जी काड़िया धन धन था की माया। क्या भूरी डाकन है डाकन। कोई पर निजरा फेंकता ही जड़मूल से नाश कर देवे। के तू भी चमत्कारी बालक ने मार सकेगी। हाँ अन्नदाता मारी निद्रा तो मोटा हाथी ने पछाड़ देवे और बी बालक में कितनी जान है। के या विश्वास करो तू ही कामिक खरी उतरेगी। हाँ अन्नदाता मरी शक्ति ने परख लो। खेल बंद कर। गोठा में जाकर देव नारायण की सांसा बंद कर दे। जो हुकम मन दाता। ओ माजी सा कौन है आप। माजी सा के पीहर से आई हूँ। चोर मेरो सगड़ो सामान लूट लियो है। माजी सा के शरण में आई हूँ। आप अंदर बिराजो माजी सा स्नान करके आवे। कण निजरा थे की देव ने मारण ताई। मुर्गी बना कर डाकन ने देव जी मार भगाई। देव नारायण बाबा थाने देव नारायण बाबा थाने जावे लोग लुगाई।
लो। क्यों? देव ने मारन नहीं आई ही। यो काम थारी जैसी कुकड़ी के बस को कोनी। भूरी डाकन की कोई खोज खबर है नीमदेव? बी ने तो चमत्कारी बालक मुर्गी बना दी दादा भाई। ए? मुर्गी बना दी? साडू बी बालक को नाम देव नारायण राख्यो है। नगरी में ढिंडोरो पिटवाओ कि जो कोई देव नारायण ने मारे को बी ने 24 गांव बख्शीश में दिया जाएगा। जो हुकम। सुनो 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 नगरवासियों सुनो, जो कोई साडू माता के पुत्र देव नारायण को माथो काट कर राणा जी ने भेंट करेगो, बीने राणा जी 24 गौरी जागीर बख्शीश करेगा। साडू जी, ओ साडू जी, के बात है? राणा जी को हुक्म है कि जो कोई देव ने मारे को बीने 24 गांव बख्शीश में दिया जावेगा। अब के होवे को? यो परसु ब्राह्मण है दादा भाई, तंत्र मंत्र को प्रकांड पंडित, और यो ही देव नारायण ने मारने को बीड़ो उठायो है। हाँ महाराज, मैं ही बी बालक देव नारायण ने पकड़ कर लाऊंगो। तो मैं थन्ने राण का 24 गांव बख्शीश में दूंगो। महाराज की जय हो। दरवाजे पे साधु आए हैं, दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला। हुकुम करो महाराज। भूख लगी है, ये भोजन मिल जावे तो भूखा साधु की आत्मा सु आशीष निकलेगी। क्यों नहीं महाराज, पधारो। आओ पधारो। विराजो महाराज। हीरा, आके वास्ते रसोई तैयार कर। नहीं, नौकर चाकरा के हाथ को बनियोड़ो भोजन को नहीं जिमागा, भोजन तो आपके हाथ रो बनियोड़ो ही जिमागा। या क्या हो सके है, घर में नौकरा चाकरा के रहता माजी से रसोई गया बना सके है। रहन दो और कटे जाकर भोजन कर लेवांगा। महाराज, एक ही बात आपको बुरो मत लगाओ, द्वार आया मेहमान और साधु तो भगवान समान हो गए है। मैं हमारे हाथा सु रसोई बनाकर आपने जिमाऊंगी। चल हीरा। को अच्छो है, मैं बाहर जाकर बी देवा को काम तमाम करके आऊं। हम हीरो हाल तक आयो को नहीं? इतनी देर क्यों लगाई, मैं देखकर पाछो आऊं हूं। जोश चार भिजवाया, जोश चार भिजवाया, मंत्र तंत्र काम न आया, परचा देव दिखाया, परचा देव दिखाया, देव नारायण बाबा थाने, मने तो बाबा, मने तो देखो कोनी, आवे लोग लुगाई, आवे लोग मने तो कुछ गड़बड़ लाग। यो के हो गयो? ओम रेम शेम तंत्र मंत्र स्वाहा। परसिया, अब 24 गांव बख्शीश दीजिएगा। देव, देव कहाँ गयो? साडू जी? अरे यो के? साधु बिना भोजन कर आई चलिया गया, अंदर देव भी कौन ही है? देव? खम्मा घड़ी महाराज, लागे है तू काम पूरो करके आयो है। महाराज, परसु या तो कोई बीड़ो उठावे कोनी, ये उठावे तो उन्हें पार लगावे।
हाजिर कर भी दुश्मन के बेटे ने। मैं भी तो देखा भी चमत्कारी बालक ने जो बगड़ौता की मौत को बदलो लेवर ने पैदा हुए है। महाने मारने के लिए उतार लियो है सवाई भोज। ये थारी आत्मा सुन सके तो भारी बात सुन ले। देव ने आज मैं मारे हाथ सुमारू हो। आज के बाद बगड़ावताओं को वंश खत्म हो जाएगा। उनरो नाम लेने वालों नहीं बचेगा। परसिया भी चमत्कारी बालक ने निकाल। मैं भी तो देखूं बी को चमत्कार, नहीं तो पछे वो देखेगो मारी तलवार को चमत्कार। महाराज यो के मैं तो बालक देवनारायण ने लायो हूं। नहीं महाराज मने माफ कर दो। ले जाओ ई कपटी ने, अरी को माथो काट कर किले के दरवाजे पर लटका दो। हे भगवान मारो देव कटे गयो, अब मैं के करूं? नी जाने वो ई भगत पर सी मुसीबत में होवे को। माजी सा यो देखो राम राम साधु जी। आओ भाई छोछू जी, भाई भल्ला जी। आपका समाचार मिलते ही हाजिर हो गया, के हुकम है? ई बखत राणा जी की फौजा देव नारायण की खून की प्यासी हो रही हैं। वेठे कोई भी बखत हम लोग बोल सके हैं। मैं देव नारायण ने मारे प्यार उज्जैन ले जानो चाहूं हूं। एक काम के लिए मन ने आपकी मदद की जरूरत है। अरे ई प्राणा पर तो आपको ही अधिकार है साडू बहन। मैं मां जाया भाई तो नहीं, पर मुंह बोलया भाई तहां मैं प्राणा पर खेल कर भी आपने उज्जैन पहुंचाऊंगा। राणा जी का सिपाही हर आने जाने वाले पर नजर रखी है। ई बखत उज्जैन जानो जोखिम उठाने वाली बात है। माने तो आपरी और बालक देव नारायण की चिंता है। एक रास्ता तो है भाई साहब, ई बखत मारवाड़ की धरती पर काल पड़े है। मारवाड़ का सारा मवेशी मालवा की धरती पर जा रहा है। जे आपा मारवाड़ के ग्वाला साथे निकल जावा तो उज्जैन पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पीछे चालने की तैयारी करो। जो जो हुकुम साडू जी। लो साडू जी। लो छोछू जी संभालो देवनी। हीरा आप पधारो, मैं अठे गोठा में ही रहूंगी। हीरा तू अठे एकली रहकर के करेगी? ई गोठा में कोई मिनख को जायो तो रियो कोनी। हट छोड़ और मारे सागे चाल। नहीं साडू जी, मैं गोठा का सुना घरा की झाड़ बुहार करूंगी, घर घर जाकर दिया जलाऊंगी। लोग या नहीं कह सके कि बगड़ावत नहीं रिया तो गोठा में अंधारो हो गयो, कोई रोशनी करन वालो भी नहीं रियो। इलिए मैं अठे ही रहूंगी। हीरा आपने मारी सौगंध, देव नारायण जत पड़ा हो जावे तो आपने अठे पाछो आनो है। बगड़ावता की मौत को बदलो लेनो है। गोठा की धरती और हीरा दासी की आंखिया सदा की राह देखेंगे। अब आप पधारो, मां भवानी आपकी रक्षा करे। कठे सुमाए हो मारवाड़ सुन, बटे तो अकाल पड़े हो है, इलिए जिनावरा ने लेर मालवा की धरती पर जा रहे हैं। या कुल है मारी धर्म बेन गंगा भाटनी है। गोठा की साडू और बालक देव नारायण तो थारे लश्कर के साथे नहीं है। गोठा नहीं, मैं तो मारवाड़ का वासी हूँ। गोठा गांव को नाम तो आज पहली बार सुनियो है। ये झोली में कुटरा टावर है। भगवान रो दिखाओ।
बछड़ो जोड़ी माए, बछड़ो जोड़ी माए, घाट छो छो नमन करे देव ने शीश झुकाए, देव ने शीश झुकाए, देव नारायण बाबा थाने, देव नारायण बाबा थाने, जावे लोग लुगाई, जावे लोग लुगाई, देवरी महिमा है भारी, देवरी लीला है न्यारी, देवरी मूरत है प्यारी, देव से कलयुग अवतारी। तू तो झोड़ी में बालक बताए हो, यो तो गाय को बछड़ो है, या तो भगवान की लीला है सब। बालक तो बालक ही होवे है, ग्वाला हाँ, गाय माता को बालक, मैंने खुद के बालक से भी प्यारो लागे है। जाओ, जो हुकम, जो हुकम, चलो। यो के भाई, छह महीना को युद्ध होयो, और थे मने खबर तक नहीं करी, सगला बगड़ावत मारिया गया, मारी बेटी पर मुसीबतों को पहाड़ टूट पड़े हो, सदा सुहागन रहने को आशीर्वाद देकर उज्जैन सुविधा करी, और आज आज मैं मारी बेटी ने ई रूप में देख रहे हूं। होनी ने कुंटा सके है, किस्मत में जो लेख लिख दिया वे तो भोगना पड़े हैं। ऊपर वाला के खेल ने कोई नहीं जान सके, लियो इन्हें संभालो, यो आपरो दोहितो देव नारायण, इन्हें छाती से लगाकर मैं मारा सब दुख भूल गयो। ई देव के कारण ही जिंदगी सु थोड़ो मोह हो गयो है, ए छोछु भाट और ए भल्ला भील मारा मुंह बोलिया भाई है, मैं आकी मदद सु ही आप ताई पहुंची हूं। खंबा घड़ी जीवता रहो, चलो खोल दिया। आज देखो, आज आया है तू पकड़ में, आज थारी खैर नहीं, चला जा तू। ये बात है, मारे देव ने क्यों बांधे है? तो के करा, कोई दिन गाया को दूध पी जावे है और कोई दिन बाछड़ा ने छोड़ देवे है और भी गाया को दूध पी जावे है। अब आप ही बताओ के करा। मैं तो रोज रोज थारी शिकायत सुनकर दुखी होगी। आके सुन ले, अब मारी बात भी सुन लो माँ। अब के कहनो और सुनो रह गयो है माँ, एक गाया को सारो दूध निकाल लेवे है और बाछड़ा भूखा रह जावे है, इसलिए मैं बाछड़ा ने खोल दूँ, ए बाछड़ा का हक मार रिया है माँ। बात तो थारी साची है बालक रोवी, जद माँ भूखो जानकर बीने दूध पिलावे, ए तो अनबोलिया बाछड़ा है, आने भूखा रखोगा तो पाप लागेगो। आप सही फरमावो हो, मारी आपसु बिनती है कि आप आधो दूध निकालो और आधो दूध बाछड़ा के लिए छोड़ दो। मने माफ कर दो देव नारायण, आपके मुख से इसी बाता सुनकर मने लाग रहे है कि मैं बीरज के किसन काना से बाता कर रही हूँ। अब आप चिंता मत करो, अब बाछड़ा भूखा नहीं रहेगा तो आपका टाबर भी सुखी रहेगा। चलो माँ, चल देव। जा देव जा। अरे रे रे, क्या आपने दिखे को नहीं, नीचे गिर जाता तो जानो क्या हो, तो हो तो के मर जाती, ये जिंदगी से छुटकारो तो मिल जातो। के होयो, मारे जैसी कुरूप कोड़ी और आंधी ने देख के डर गया, लोग मन ने देखता ही
मुंह फेर लेवे। भगवान की देवड़िया जिंदगी मारे लिए बोझ बन गई और अब जिंदगी को यो बोझ मैं नहीं झेल सकू। आप मने क्यों बचाई, क्यों बचाई, मने मरण देता। कौन कहवे कि आप कोड़ी या कुरूप हो। सांचे मन सु ईश्वर ने याद तो करो, ऊपर वालों सबकी सुने है, थाकी भी सुने वो। मिंदर ही तो जा रही थी, ऊपर वाला की चरणा में धोख देता देता तो मारे माता की लकीरा मिट गई, पर वो आज तक मारी नहीं सुनी। ऊपर वाला के घर देर है, अंधेर नहीं, अरज करके तो देखो। धार के राजा जय संग देखी कन्या कोड़ की मारी, कन्या कोड़ की मारी। पीपल देखो कोड़ मिटा कर काया आप सवारी, काया आप सवारी। आप सुंदर हो, अब आप री आंखियां सुन इस संसार की सुंदरता ने देख सको हो। लो देखो आप कितनी सुंदर हो। मैं तो देख सको हूँ, मारो तो कोड़ में मिट गयो। ये सब आपके कारण हुयो, आप इंसान नहीं देवता हो। मैं तो साधारण इंसान देव हूँ, देव नारायण। मारे लिए तो आप देवता ही हो, मारो जीवन आपके चरणा में समर्पित है, आज सु मैं आपके ही चरणा की दासी हूँ। यो के करो हो, आपको नाम पीपल दे, धार के राजा जयसिंह देव की कुंवरी। Sun.
साची प्रीतरी आई निशानी ओ सजनी जन्म जन्म री प्रेम कहानी ओ सजनी ओ सजनी उड़ी क्यों सतावे सा मैं समझी काला जियो क्यों धक धक डोले सा मैं समझी मैं समझी रे मैं समझी अच्छा उड़ी क्यों सतावे सा तू समझी क्यों मारी याद सतावे सा तू समझी उड़ी क्यों सतावे सा मैं समझी काला जियो क्यों धक धक डोले सा मैं समझी पीपल दे ओ पीपल दे हाँ माँ बेटी क्या सोच रही है कुछ नहीं माँ बेटी ढूंढार के कवर के सागे थारे रिश्ते री बात चल रही है माँ यो कहीं हो सके है मारो तो रिश्तो हो चुकी है और माँ ने खबर तक नहीं या कहीं हो सके है क्यों नहीं हो सके माँ जब मैं कोड़ सु कुरूप थी भी वक्त तो कोई नहीं आयो हो मारे सु रिश्तो जोड़ने माँ अब तुम्हारे मन मंदिर को स्वामी वही है जो मैंने ये रूप दियो नैड़ा की ज्योति दी माँ मारो ब्याह होवेगो तो देव नारायण के सागे ही जे ब्याह के लिए थारा पिताजी तैयार नहीं होया तो मैं मारी जिंदगी मीको नाम लेके गुजार दूंगी बहन तारा भगवान तने सदा खुश रखे आज थारे ही गुलाम भाई कन्ने धने आशीर्वाद के सिवाय तेरे के लिए कुछ भी नहीं है भाई के मुख से निकल योड़ा दो मीठा बोली बहन के वास्ते अनमोल होया करे है भाई मारो भाई वीर है और वीर ने गुलामी की बेड़ियां ज्यादा दिन तक बांध कर कोनी रख सके है ई भाई के खातिर अगर ई बहन ने प्राण भी देना पड़े तो हंसता हंसता निछावर है भगवान करे धने मारी उम्र भी लग जावे देखो पीपल दे ब्याह करेगी तो देव नारायण के सागे ही जे देव नारायण इतरो ही चमत्कारी है तो बिने संदेश भिजवाओ के पाताल लोक का दरवाजा मारे किले के लागना चाहे जे मारी या शरत पूरी कर देवेगो तो पीपल को हाथ बिने सौंप दूंगो अब मारो मान आप रे हाथ है पीपल देखो मान रखने के लिए आपकी शर्त मन्ने मंजूर है पाताल लोक का किवाड़ आपके किले के दरवाजे पर जरूर लाग जाएगा लियो, देख लियो देवनारायण को चमत्कार पल भर में ही पाताल लोक का दरवाजा किले के चढ़ा दिया देवनारायण सो अच्छो वर पीपल देने और नहीं मिलेगो तो ब्याह की तैयारी शुरू करो नामुरी मारा कैसे
दूधा नाव पूता फलो। माँ जीव तो रहे आओ। कर्पूर गरम करुणावतारम। ठहर, यो मंदिर थारे जैसा छोटा लोगा के लिए नहीं है, चल निकल अठे सू। पुजारी जी, ईश्वर की निजर में तो सभी भक्त बराबर हैं, चाहे वो राजा हो या रंक। ईश्वर के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है। भगवान का दर्शन करने के लिए तो मंदिर का दरवाजा सदा ही सबके लिए खुला रहना चाहिए। बीने याद करने के लिए तो मंदिर में आने की भी जरूरत नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान तो भक्त के पुकारते ही हाजिर हो जाया करे। तो पुकार फिर थारे भगवान ने, जो दर्शन देते हुए आकर आ छोटा लोगा ने। गोबर चौका लीप कर पांच ईंट रख लीजिए, नीम जाल के चढ़ा के पत्ते प्रकट हो जाएंगे, बनेगा पावन धाम। सांचे मन से कीजिए साडू जी। नहीं पहचाने हो? चोचू भाई आप? हाँ, आपने लेवण ने आया हूँ। गोठा का सूना घर, सूनी गलियां, हीरा दासी की सूनी आखियां ने आपरो और देवनारायण को इंतजार है। चल, घोटा तो आपने चालनो ही पड़ेगा साडू जी। चोचू भाई, एक तरफ माँ की ममता और बेटे को प्यार है, तो दूसरी तरफ मारी सुहाग और बगड़ावता की मौत को बदलो लेनो को मारो प्राण। मैं देव नारायण ने गोठा ले जाने से डर रही हूँ, जब इन्हें कुछ हो गयो तो। जी धरती की वीरांगनावा आप रे सुहाग की आरती उतार कर खून को तिलक निकाल युद्ध क्षेत्र में हंसता हंसता विदा करे। इसी वीरांगनावा ने बेटे को मोह नहीं बांध सके। माँ, मैं अठे ननिहाल में क्यों पड़ रही हूँ? माँ, बगड़ावता का त्यारा कौन है? ये हत्या के पीछे के कहानी है? माँ, बगड़ावता में श्रेष्ठ वीर सवाई भोज थारा पिता हा, आण में सबसे आगे वचन का पक्का वीर, भक्ति भावना सु भरपूर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भक्त भोज, मैं थारी भक्ति से प्रसन्न हुयो। आपका दर्शन पाकर मैं तो निहाल हो गया। महादेव, आप रो दियोड़ो सब कुछ है, बस ये दुनिया में
बगड़ावतों को नाम हो जावे इसे कोई वरदान दे। जा था बगड़ावता ने 12 बरस की माया देवी और 12 बरस की काया, माया खर्च होगा उतनी ही बढ़ती जाएगी, काया को कुछ नहीं बिगड़ेगो। 12 बरस पछे न तो माया रहेगी और ना ही काया रहेगी, बगड़ावताओं का सदा नाम रहेगो। डाकोंसु आपने लड़ता देखा, मने खुशी हुई कि मैं मने बचाने वाले को नाम जान सकूं। मैं तो गाय चराने वालों एक ग्वालो हूं, पर आप तो कोई राजकुमारी लागो हो। मारो नाम जानकर क्या करोगा? जो इंसान मारी मदद करी उनरो नाम जाननो तो मारो फर्ज है। आसपास का 100-100 कोस में कोई ने भी पूछोगा कि 24 बगड़ावत भाइया में सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है, तो आपने दादा भाई को नाम बता देवेगा। अब आज्ञा चाहूं। जय भवानी। ब्राह्मण राज, हुकुम। तुम्हारी जयमतिया बड़ी होगी है, बी के वास्ते कोई अच्छो घर और वर देखो, और सगुन को नारी ले जाकर रिश्तो पक्को करके आओ। जो हुकुम। पाए लागू ब्राह्मण राज। आशीर्वाद। किनरे सगुन को नारी ले जा रहा हो? राजा जी के हुक्म सो आपके सगन को नारियल ले जा रहे हैं भाई साहब। किनरे अठे? जेठे अच्छो घर और वर मिल जावे, बी घर। कैसो घर? मैं आपने बता दियो तो? समझो सोना में सुहागो। 24 भाइयों के परिवार वालों का पीरा में श्रेष्ठ वीर, पचन को पक्को, बगड़ावता में सिरमोर, धरती पर इसो घर और वर आपने नहीं मिलेगो। समझ गए हो भाई साहब? जय शंकर। जय शंकर। पधारो जोशी जी महाराज, परदेसी लागो हो? हाँ, बुआल सु आया हा। आप रो शुभ नाम? नाम तो भगवान रो, नियो। एक बात बताओ, आपका गांव में 24 भाइयों रो कोई परिवार है? आप सही ठिकाने पर आया हो, यो 24 बगड़ावत भाया को गांव गोठाई है। ये 24 भाइयों में वीर कौन है? वीर तो सगड़ा बगड़ावत भाई है। मारो मतलब है 24 भाइयों में श्रेष्ठ वीर कौन है? मारा दादा भाई सवाई भोज। पढ़िया सब जानकारी, आप क्यों चाहो? ग्वाल के राजा इर्दे जी सोलंकिया की बाईसा के सगुन को नारियल लाया है। पधारो ब्राह्मण राज, आओ। राम राम निया जी। राम राम। लागे ये सगुन को नारियल
अब गलत जगह लाया हो। नारियल तो मां सही जगह लाया। ऐ राजा मां का नारियल है और राजा मां का महिला में जावे तो इच्छुभ है। मैं ठहरिया ग्वाला बन बन भटका और गाया चरावा, राजा जी का नारियल झेलना माने नहीं शोभे। यो नारियल अब रान के राणा जी की बैठे ले जाओ। भाई नियाजी, ब्राह्मण राज ने दान दक्षिणा देकर मान सम्मान के सागे विदा करो। हाँ दादा भाई, चलो ब्राह्मण देवता। कुनरा टीका नारियल लाया हो जोशी जी? बुआल के राजा इड़दे जी सुलंकिया के अठेसो आपके ब्याह के सगुन को नारियल लाया हाँ हुकुम। ये बुढ़ापा में मारे वास्ते सगुन को नारियल भेज कर इड़दे जी मारी उम्र के सागे मस्करी करी है या बात पीने भारी भी पड़ सके है जोशी जी? दादा भाई, आप उन पर चढ़ाई नहीं कर दो। ई डरसो आपने राजी करने के लिए ये सगुन भिजवायो है। भीम देव, क्या उम्र मारे ब्याह करने की नहीं है? दादा भाई, आपका 8 ब्याह होया पर पुत्र सुख नहीं मिलियो। हो सके ब्याह पछे ये राज्य ने उत्तराधिकारी और राज सिंहासन पर बैठने वालों राजकुमार मिल जाए। जोशी जी, यो सगुन को नारियल में राख लियो है, इर्द जी ने खबर कर दो, मैं बारात लेकर आ रहा हूं। दर्शन दीजो जी भवानी, दर्शन दीजो जी, अर्ज करूं थारे चरण में शक्ति दीजो जी। भक्ति दीजो जी, अर्ज करूं थारे चरण में शक्ति दीजो जी। दर्शन दीजो जी, भवानी दर्शन दीजो जी।
यो भगवान रामचंद्र जी को चंदलवर्णी खड़क है। ई खड़क सुन रामचंद्र जी, रावण को सिर काटे हो। थारी भक्ति सु प्रसन्न होकर मैं थाने यो खांडो दे रही हूँ। चारों दिशाओं में थारी शक्ति और भीतर बखान किया जाएगा। जटे तय यो खांडो थारे हाथ में शोभेगो, थाने कोई नहीं मार सकेगो। यो खांडो अणबोल्या पशु, नारी और निर्बल मनुष्य पर मत उठा जे। माँ भवानी, ये खांडे की मान और मर्यादा बनी रहेगी। राणा जी यो निमंत्रण पत्र भिजवायो है। सवाई दादा, की बात को राणा जी निमंत्रण भिजवायो है? भाई राणा जी को ब्याह है, ब्याह में आने को न्योतो भिजवायो है। लिखियो है, चगड़ा बगड़ावत भाया ने दलबल के सागे बारात में आनो है। घोड़ा ने सजावो, ऊंटा को श्रृंगार करो। राणा जी ने लागनो चाहे कि बारात में बगड़ावत भी आया है। आप चिंता मत करो दादा भाई, राणा जी देखता ही रह जाएगा। चलो रे, बारात में जाने की तैयारी करा। जय राम जी की। बांधने को मुहूर्त बीत रहे दादा भाई, जो तोरण नहीं बांधे तो राणा जी की हल्की लागेगी। नहीं, जे आपा तोरण बांधे हो तो राणा जी और राणा जी के रिश्तेदारों ने बुरो लाग जाने को। बुरो तो अबार लाग रही है कि राणा जी तोरण नहीं बांध सकिया। देखो के हो दादा भाई, तोरण बांध कर सबकी इज्जत राख लो। लो दादा भाई, हो गया भाई साहब। के होयो बिंद राजा तो 60 साल का बूढ़ा, राण का राणा जी तोरण बांधने आया है। या नहीं हो सके, तोरण बांधे इनसु पहली तो राणा जी हाथी के ऊपर सो नीचे पड़ गया। बारात में आयो एक सुंदर वीर बाराती, राणा जी की जगह तोरण बांध दियो। भाई साहब आपके सागे धोखो होयो है। भाई साहब, हीरा कौन है वो बाराती जो जयमती को तोरण बांधे है? अभी नहीं, एक बार देखना चाहूं। मारे सागे पधारो भाई साहब, पधारो। भगड़ावता, थे राणा जी को तोरण बांधने की हिम्मत कहिया करी? तोरण बांधने को वक्त टल नहीं जावे, इलिए थे माने नीचो दिखाने के लिए यो सब करियो है। भगड़ावता, मारो खून हालताई पानी कोनी होयो है। और नहीं मारे शस्त्रा के जंग लग्यो है। नीमदेव जी, जे मैं इसो ना करतो तो राणा जी की हल्की लाग जाती। चगड़ा बरातियों ने नीचो देखनो पड़तो, मैं भी राणा जी का हितैषी। हाँ वाह, गाया का ग्वाला और राणा जी का हितैषी। ई पराई धरती पर तमाशो दिखाकर क्यों सबको मान घटा रिया हो? सवाई भोज, लागे है थारी जबान लंबी हो गई है। लंबी हो गई है तो मने काट ली आवे है। तलवार को जवाब मन ने भी तलवार सुदेणो आवे है। नीमदेव जी, आपकी या तलवार सवाई भोज की जीभ नहीं काट सके है। मैं बस चुप हूं तो लोक लाज के डर सू, राणा जी के मान सू। नीमदेव सवाई है, लोग अठे मारो मान बढ़ावने आया हो के मारी पगड़ी की इज्जत उठाड़न ने? हीरा, तोरण बांधने वालों और कोई नहीं, सवाई भोज हो। सवाई भोज एक बार मारी रक्षा करी ही, बीतिन सो ही वो मारे मन में बस क्यों हो। ब्राह्मण राज सागे सगुन को नारियल में सवाई भोज करने ही भिजवाए हो और पहुंच क्यों राण के राणा जी के पटे। तकदीर भोज ने मारे सो अलग करने चावे है, पर मैं सो नहीं होने दूंगी। हीरा, सवाई भोज सु मारे दो सवालों का उत्तर लेकर आ। आपका सवाल के है? पहलो सवाल यो है कि वीर कौन है। दूसरो सवाल,
आदर्श पुरुष की पहचान के हैं। जो हुकुम बाईसा। राम राम, मैं हीरा, राजकुमारी जयमती की सहेली। आप बताओ कि वीर कौन है? लागे है आप मारी परीक्षा लेवन ने आया हो। वीर वो जो डरे कोनी। आदर्श पुरुष की पहचान के है? जो सदा नारी को सम्मान करे, माथो कट जावे, पर आपरे वचन सु फिरे नहीं, वही आदर्श पुरुष है। जी। बाईसा, आपके सवाल को जवाब है, वीर वो जो डरे नहीं, आदर्श पुरुष वो जो सदा नारी को सम्मान करे, मात होकर जावे, पर अपने वचन से फिरे नहीं। सवाई भोज बहादुर है, क्या बात तो मैं जानती ही, पर वो बुद्धिमान भी है। हीरा, जा और सवाई भोज की तलवार लेकर आ। जो हुकुम बाईसा। वो सब तो सवाई भोज कठे है। सवाई भोज तो अब के है के आपके ई तलवार सु कोई इंसान को सिर काटियोड़ो है? इस तलवार सु एक नहीं, बहुत सारा इंसान का सर काटियोड़ा है। तो मन्ने आप किया तलवार चाहे। क्यों? बाईसा को आधो सिर दुखे है, काटड़ी तलवार की चमक आंखियों में पड़ने सु सिर दुखड़ो बंद हो जावे। या बगड़ाओ सवाई भोज की तलवार है, ई तलवार ने लुगाया नहीं उठा सके है, फिर हमारी तलवार ले जाओ। तोरण आपकी तलवार नहीं, सवाई भोज की तलवार बांधे है। आपकी यह तलवार आपको मान बढ़ाकर पाछी आवेगी, ओ हीरा को वचन है। या लो बाईसा, सवाई भोज की तलवार। खांडे के संग फेरे लेकर आज बढ़ायो मान, अपनी सांची प्रीत को जय मत दियो प्रमाण। मैं थारी नामरी चुंदड़ी उड़ ली है सवाई भोज, अभी चुंदड़ी की लाश थारे हाथ में है। इन दोनों की प्रीत है ज्यों खांडे की धार, रक्त से लिख कर भोज को पाती दियो प्रेम उपहार। हीरा, चार खड़े मानसु या तलवार सवाई भोज ने वापिस कर दे, वे सब कुछ समझ जावेगा। अब जयमती थारी। तोरण आपकी तलवार नहीं, सवाई भोज की तलवार बांधे है। तोरण आपकी तलवार नहीं, सवाई भोज की तलवार बांधे है। बाईसा, 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 यो के करियो, जे यो ही मरनो हो तो पछे सवाई भोज की तलवार के सागे फेरा क्यों लिया? चिंता मत कर हीरा, मने कुछ नहीं होवे को, मैं तो बेसुध होने की दवा पी है, अब मैं सवाई भोज की ब्याता हूँ, राणा जी के सागे मारा फेरा करवाया जावेगा, मैं ना करूंगी तो खून खराबो होवे को, युद्ध छिड़ जावे को, इलिए मैं बेसुध होने की दवा पी है। थोड़ी ही देर में मैं बेसुध हो जाऊंगी, मारो मन तो सवाई भोज के सागे है, बेसुतन के सागे, भले ही राणा जी का फेरा करवा देवे, अब मारा कान ना तो ब्याह का मंत्र सुन पावेगा, ना ही मैं कोई वचन दे पाऊंगी, और ना ही कोई मने वचन सु बांध सकेगा, इलिए क्यों प्या प्या नहीं समझो जावेगो, प्या नहीं समझो जावेगो। भाई साहब,
महाराज जी, जयमती भाई साहब बेहोश हो गया है, अब बेसती में फेरा कहिया हो सकेगा। ये लगन को मुहर टल गयो तो बहुत बड़ो अनर्थ हो जाओगो। राजा तू तू जयमती नहीं ले रहा, फेरा तो बेहोशी में भी हो जाएगा। राणा जी के हुकुम सु रात्रि विश्राम। पाटिल जी अब आप विश्राम करो। जो हुकुम। हीरा, ए हीरा, हुकम बैसा अपा कठे हाँ। बांदरवाड़ो रात वासो अठे ही है। अरे ए तो सवाई भोजे खांडे के सागे साथ फेरा ले लिया है, आपरे नामरी चुनड़ी ओढ़ ली है, अब जेथे मन्या कर नहीं ले जाओगा तो था कि आप अरणी मौत ने हंसता हंसता गड़े लगा लेगी। आपरी जयमती दादा भाई, दादा भाई अस्त्र शस्त्र धारण करने को मतलब जान सकूं? जयमती मारे खांडे के सागे फेरा ले लिया है, मैं भी ने लेवर ने जा रही हूं। अब मारी समझ में आई कि बादासी आपके तलवार क्यों ले गई ही। राणा जी की जगह तोरण बांधकर मैं बहुत बड़ी गलती करी है निया जी। जयमती मारे खांडे के सागे परण की, अब जब मैं उंडो साथ नहीं दूं तो मारी वीरता ला जाए। दादा भाई दुनिया की निजरा में जयमती आज राणा जी की ब्याहता है, भले ही बा आपके खांडे के सागे फेरा लेकर आपने वर लिया है, आज आपा राणा जी के निमंत्रण पर बिया में आया हाँ। जे बापा जयमती ने साथे ले जा वाला तो राणा जी के साथे विश्वासघात होवेगो। ई एक छोटी सी गलती सु बगड़ावता को माथो शर्म सु झुक जावेगो, पुरखा की मान मर्यादा माटी में मिल जावेगी। तो बी नारी को विश्वास भी भोज पर से उठ जावेगो। मैं भी के साथ फेरा की लाज नहीं रखूंगो तो लोग कहेगा कि सवाई भोज राणा जी की फौजा से डर गयो। बी ने प्राण प्यारा है, खांडा सागे फेरा लियोड़ी परणी नहीं। समझो काम लो और बखत को इंतजार करो दादा भाई। बात तो रह जासी, बचन टूट जावे को और थे बखत की बात करो। ई बखत तो आप जयमती भाभी साने राण के महला में जावर दो, बा वीरांगना है,
खुद के मान सम्मान की रक्षा कर सके है। नीमदेव आपसु नाराज है, मौ को देखकर वो बगड़ावता सो झगड़ो जरूर मोल ले वोगो। नीमदेव की तलवार उठता ही बगड़ावत महाकाल बनकर बीपट टूट पड़ेगा और भाभी सा बगड़ावता के आंगड़े की शोभा बढ़ावेगी। भोज और उनरे तलवार पर जे आपने भरोसा हुए तो राण का मेला में मरी पाट जोई जो। सवाई भोज आपने मान और सम्मान सु ले जाने को वचन देवे है। सवाई भोज सोया कोनी? नींद कोनी आ रही। लागे है आज आप मारी सू कुछ छुपा रिया हो। बोलो। बताऊंगो तो आपने दुख होवेगो। सुख दुख तो आप दोनों मिलकर बांटांगा। ई बात्री अग्नि ने साक्षी रख सौगंध खाई ही। इसो भी कौन सो दुख है जिनरी भागीदार मैं नहीं बन सकूं। आप रो दुख मारो दुख है, आपने मारी सौगन। बताओ के बात है। इर्देजे की कुंवरी जयमती बाहरे खांडे के सागे साथ फेरा ले लिया, मारे नाम की चुनरी ओढ़ ली। मैं भी ने कोठा लाने और भी के मान सम्मान की रक्षा करने को वचन दे चुके हूँ। या नहीं हो सके, कोई भी औरत आपरे ऊपर सौत को बोझ नहीं झेल सके। पहली औरत के होता बी को पति कोई दूसरी औरत की सेज पर सोवे, यो दुख एक पत्नी कहीं जा सके है। यो सब देखने से पहली मारी आंखें बंद हो जावे, इनमें ही मारो सुख है। मारी मौत के बाद आप जाओ कभी नहीं अटे ला सको। साडू जी, मैं तो आपने मारे प्राणा से भी ज्यादा चाहो है और आज आप मरने की बात कर रही हो। रिप रिप कर जीनो भी कोई जीनो होवे, इसे तो मौत भली। यूं भी बाखड़ी गाय और बांझड़ी औरत को मान कमी होया करे है। पति को जब पहली औरत सुमन भर जावे तो दूसरी औरत को विचार मन में आवे। मारे सपने में भी कोई पराई औरत को विचार नहीं आयो। एक तरफ मारी हंसी खुशी गृहस्थी और दूसरी ओर एक अनजानी नारी को विश्वास और सवाई भोज को वचन। पर आप चिंता मत करो, अब बिल्कुल चिंता मत करो। सवाई भोज आपकी खुशी के वास्ते आप रे वचन से भी फिर जावे को। भाई साहब। हाँ राणा जी पधार रिया है, आप सो मिलो जावे। राणा जी, हीरा राणा जी हमारे बीच में पर्दो खिंचवा दे, मैं हर बार तैयार होकर आऊं हूं। जय हुकुम भाई साहब।
यो के रानी जी, ब्याह के पछे आपरे और मारे बीच या पर्दा की दीवार क्यों? यो पर तो मारे प्रण की दीवार है। जठे ताई आप मारी शर्त पूरी नहीं करोगा क्या पर्दा की दीवार बनी रहेगी? क्या शर्त है आपकी? मैं भी तो जानू। आप मैंने ब्याह कर तो लाया, पनी ब्याह ने मैं ब्याह नहीं मानू। क्या मतलब? तोरण आप नहीं बांधियो, आप साथ फेरा तो लिया, पन मारे बेसुतन के सागे। मारी पहली शर्त यह है कि आप मारे लिए नौखंडी महल बनवाओ और भी महल के द्वार पर पाछू तोरण बांधो। अग्नि ने साक्षी राख कर मारे सागे साथ फेरा वापिस फिरो। जी दिन मैं अपने आप ने आपकी पर नहीं मानूंगी, वी दिन ही आपके और मारे बीच या पर्दा की दीवार हटेगी। महल बनने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। पी के पहली जी आप मने हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो मैं मारा प्राण देता देर नहीं करूंगी। कबूतर
खुद शादीशुदा है। उनकी पत्नी को नाम साडू है। आप साडू पर सौत पढ़कर जा रहे हो? नहीं, क्या बात झूठ है, क्या नहीं हो सके, क्या नहीं हो सके हीरा। बैसा, सवाई भोज की तलवार के सागे आप फेरा लिया हो? सवाई भोज के सागे नहीं, अभी बखत है बैसा, ये बात ने सपनों समझकर भूल जाओ। कहीं अब भूल जाओ हीरा, कहीं अब भूल जाओ। मैं एक बार जी इंसान ने मारो पति स्वीकार कर लियो, अब तो हमारी मौत ही पीने बुला सके है। जे साधु जी मैंने स्वीकार करे तो भी घर में मैं साधु जी की सौत नहीं, चरना की दासी बनकर जी लूंगी। चाहे सवाई भोज मने मिले ना मिले, मैं भी के नाम पर जिंदगी काट लूंगी। वीर पुरुष जो डरे नहीं, आदर्श पुरुष वो जो नारी को सम्मान करे और अपने वचन से फिरे नहीं। आपने आपकी ही बातें याद दिला रही हूँ। आज आपकी परणी के मान सम्मान और इज्जत को सवाल है। जे मारी इज्जत पर आंच आई तो मैं मारा प्राण देता देर नहीं लगाऊंगी। कद आवोगा या तो मैं नहीं जानू, बस उम्मीद के आसरे एक एक दिन काट रही हूँ। आपकी चरण रज जयमती। क्या सोच रही है? यो एक नारी के मान सम्मान को सवाल है, यो सवाई भोज की आन और वचन को सवाल है। अरे पत्नी तो वाह होवे जो पति के हर सुख दुख की साथी होवे। नारी को दूसरों नामी त्याग है। आज थारू त्याग थारे वास्ते पूजनी हो जावेगो, तू तो बांझ है। सवाई भोज को वंश चलाने वालों भी तो कोई चाहे, के ई बात ने तो भूलगी। धन्य थारो हट और स्वार्थ प्यारो है के थारे सुहागरी आन, अब फैसलो थारे हाथ है। नहीं, मैं जयमती के अधिकार के बीच मारो स्वार्थ आड़े नहीं आने दूंगी। जयमती इन घर में जरूर आएगी। आप मने याद करियो, आप सैनिक लेकर जाओ। बगड़ौता की गायें अगर राण की सीमा में आ जावे तो बाने घेर के फाटक में बंद कर दो और बाछड़ा की पूंछा काट कर बगड़ौता ने खबरदार कर दो। जो हुकम। आपके ई हुकम सु तो आपनी और बगड़ौता की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। मैं भी तो यही चाहूं पातल। दुश्मनी तो बी दिन ही मोले ली थी, जिस दिन बगड़ौत राणा जी को तोड़ बांधे हो। आप ठीक फरमाओ नीमदेव जी। सवाई भोज मने कालो नाग नी चरावे है, नाग फण उठावे उड़सो पहले बी को फण कुचल देना चाहे। गाया कौन रही है? बगड़ावत सवाई भोजरी। जानो कोनी, यहाँ भूमि राणा जी की है, अटे गाया कोनी चला सको। यो नाम दे जी को हुकम है। राणा जी और नीम देव ने जे ऐतराज होवे तो मैं अटे सू चलिया जावांगा। अब जानो तेरे हाथ कोनी। देखो काई हो, सगड़ी गाया फाटक में ले लो और सगड़ा बाछड़ा री पूछा काट दो। यो नाम देव जी को हुकम है। मैं गाय नहीं ले जाने दूंगा। जी निया जी, राणा जी का सिपाही सगड़ी गाया ने घेर फाटक में ले गया और बाछड़ा की पूछा काट दी। यो नीम देव को काम है, मैं तो जान तो ही हो कि वो चुप नहीं बैठा को। दादा भाई को तोरण बांधो, नीम दोनों रास्त नहीं आयो है। इलिए तो गाया ले जाकर दादा भाई ने ललकार लिया है। नीम देव की इतनी हिम्मत। नीम देव, जे तुम्हारो माथो मांग ले तो मैं तने हंसता हंसता काट के दे देता हूँ। पंटो अन बोले जिना भरा के सागे इतरो बड़ा न्याय करियो है। अब सबाई भोज थारो काल बन के आ रियो है। जय भवानी। फूड पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है निया जी।
राणा जी पर। राणा जी का सिपाही आपा की गाया ले गया, बछड़ा की पूजा काट दी। अब तो राणा जी के सिपाहिया का माथा काट कर चैन से बैठांगा। गाया भी पाछी ले आओगा, माथा भी काट देओगा। ई बात को तो मने पक्को भरोसो है निया जी, पण खुद की नाक जठे गिरवी पड़ी है, बी के बारे में भी तो कुछ सोचनो चाहिए। कुण है जो बगड़ा होता की नाक गिरवी राखण की हिम्मत कर सके? बगड़ा होता की नाक राणा जी के महला में पड़ी है, उनरो नाम जयमती है। मैं चाहूं तो एक ही छटके में थारो माथो फर्सो अलग कर दो, पर धन्य में ही लिए जीव तो छोड़ रही हूं कि तू नीम देव ने झाके मारो यो संदेश दीजे, एक बाछड़ा की पूंछ काटने के बदले में मैं 10-10 सिपाहियों का माथा काट दिया है, और मारी गाया के सागे मैं राणा जी की गाया भी ले जा रही हूँ। नीम देव ने मारो एक संदेश और दीजे, जयमती अब राण के महला की नहीं कोठा की शोभा बढ़ावेगी। दादा भाई, बगड़ा तो चढ़ाई करी और राण की गाया ले गया। आज गाया ले गया, काल राजपाट ले जावेगा। निया जी, मैं 8 सिपाहियों ने रोक कर रखू हूं, तो जाकर जयमती ने मिलाओ। हाँ दादा भाई। साधु जी, के है आप? साधु जी हो? हाँ। राम राम, मैं हीरा दासी, सवाई भोज जयमती बासा ने ले रहा रिया है, आप आरती उतारने की तैयारी करो। जयमती आ रही है, चल हीरा। अंत किया शुरुआत है, शिव के भी वरदान के, बगड़ावता की काया माया है बस 12 साल की, है बस 12 साल की। साधु जी, आप धन्य हैं, आप अपने सुख और सुहाग में आरी जिसी बहन ने भागीदार बनाकर जो त्याग करियो, इस त्याग संसार की कोई नारी नहीं कर सके। मैं एक औरत हूं और एक औरत के मन की पीड़ा मैं जान सकूं, यो मारे सुख और अधिकार को सवाल नहीं, यो आप रे विश्वास और अधिकार को सवाल भी है, साथ में मारे सुहाग की आन और वचन को सवाल भी है। मैं कोई त्याग नहीं करियो, आपको अधिकार आपने दिलवायो है। साधु जी, राणा सा अनर्थ हो गए हो, के होयो? कई बताऊं, तू मरने जैसी नौबत आ गई है, सारी इज्जत धूल में मिल गई, जयमती रानी साने बगावत उठा ले गया। नहीं,
पगड़ावत आपरी मौत न तो दियो ए मारी इज्जत सु खेलिया है मैं यहां की मौत तो खेल खेलूंगो ए पगड़ावत मारो माथो नीचो करयो है मैं आप पगड़ावता का माथा काट कर मारी जूती सु कुचलूंगो नीमदेव छाताल लरपाताल जाओ आदमी औरता बालक सगड़ा पगड़ावता की लाशा बिछा दो भी लाशा को अंतिम संस्कार करने वालों भी नहीं बचना चाहिए पगड़ावता की लाशा ने चील कागड़ा जीदी नोच नोच कर खावेगा बी दिन ही मारी आत्मा ने शांति मिलेगी नीमदेव जा डाल बनकर पगड़ावता ने नस्तना भूत कर दे अब इस धरती पर एक भी पगड़ावत नहीं बचेगो कोठा की धरती लाशा से भर जाएगी कोठा ने शमशान बना देवांगा यो मारो वचन है मैं आई और अब घर छोड़कर जा रहा हूँ ये बात के लिए मैं अपने आप को जिंदगी भर दोषी मानती रहूंगी नहीं बहन इमें थारो कोई दोष नहीं मैं गृहस्थ जीवन को सुख तो भोग लियो अब थोड़ा दिन भगवान की भक्ति में बीत जावे तो यो जन्म सफल हो जावे नहीं नहीं मैं आपने नहीं जाने दूंगा मारे जीवन में जयमती सु भी ज्यादा आपरी अहमियत है हाँ। आपके जाने सु मारे मन के सागे सागे गोठा की धरती भी सूनी लागेगी नाथ जी तरह जयमती ने लाकर मारो मान राखियो मने विश्वास है श्री कृष्ण के चरणा में बाकी री जिंदगी बिताने की इच्छा को मान भी रखोगा आपने मारी सौगंध आज अब मने नहीं रोकोगा चालू निया जी मारो वचन पूर्ण करने के वास्ते आप आपरे अधिकार को जो त्याग करियो है या गोठा की धरती सदा आपके त्याग पे गर्व करेगी सदा गर्व करेगी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आपके चरणों में मने जगह मिली यूं क्यों देख रही हो एक बार आपने जी भर कर देख लूं आपकी इच्छा भी ने नैना के द्वार से हिवड़े रे आंगनी उतार लूं मैं भी यही चाहूं कि आप सदा हमारी आंखें रे सामने रहे हो अपा दोनियों को लगे है जन्म जन्म रो साथ है वो कहिया नहीं तो आज यो मिलन कहिया हो तो इसो लगे है कि अपा दोनियों हर जन्म में मिला और बिछड़ जावा कोई भी जन्म में आपा दोनियों के प्रेम को पूर्ण मिलन नहीं हुए हो इस जन्म में ना तो आपा बिछड़ांगा और ना ही वो साथ छूटेगा बिड़े में बस गई रे गिण गोर गोरड़ी नैना में रम गई रे चित चोर चोरनी मन मोर मोरनी रे गिण गोर गोरड़ी बस गई रे गिण गोर गोरड़ी नैना में रम गयो रे चित चोर साहिबो गोरी सपनों में आई मासु आंख लड़ाई मारी नींद उड़ाई रे मारे मन ऐसी भाई एक आस बंधाई ऐसी प्रीत जगाई रे नस नस में अगन मीठी मीठी सी चुभन कैसी लगन लगाई रे चित चोर साए बोरे मन कोर साए बो हिबड़ी में बस गयो रे सिर मोर साए बो नैना
झूठ चोर चोरनी। थारी याद सतावे ही ये हेत जगावे रे। आजा चोरी चोरी आजा मारे मन में समा जा अब क्यों तड़पावे रे। मारी सजनी सोवणी रे चित चो चोरनी। बिबड़े में बस गई रे गिण गोर गोरड़ी। नैना में रंग गयो रे चित चोर साईबो। छत पे बुलावे रे मने को काम सारो जागे चांद तारा भी सकावे मने लाज बने आवे रे। क्यों दूर दूर जावे क्यों मन तरसावे गोरी क्यों शर्मावे रे। मारी गज बने गोरी रे चित चोर चोरनी। हिबड़े में बस गई रे गिण गोर गोरड़ी। नैना में रम गई रे चित चोर चोरनी। हिबड़े में बस गयो रे सिर मोर साईबो। नैना में रम गयो रे चित चोर साईबो। हिबड़े में बस गई रे गिण गोर गोरड़ी। नैना में रम गयो रे चित चोर साईबो। नैना में रम गई रे चित चोर चोरनी। दादा भाई, ओ दादा भाई, के बात है निया जी? दादा भाई, राणा जी की फौजा चारों दिशाओं में चढ़ाई कर कोठा की तरफ बढ़ रही है। नाथ, ये सोच रहा हो नाथ? या तलवार संभालो, अब दुश्मन को मुकाबलो करने को बखत आ गयो है। कि आज आप नहीं जाओगा तो लोग कहेगा कि जयमती सवाई भोज ने आपके प्रेम में बांधकर रोक लियो। जाओ नाथ, जाओ, आपने मारी सौगंध। दादाजी, आप 6 बगड़ावत और 10,000 ग्वाला ने लेर पूरब दिशा की ओर जाओगा। सांगा जी, आप इतना ही वीरा ने सागे लेकर दक्षिण दिशा में शत्रु सेना को मुकाबला करोगा और मैं उत्तर दिशा से आगे बढ़ूंगा। और मैं पश्चिम दिशा में शत्रु सेना ने रोकूंगा। मैं भी निया जी के सागे जाऊंगी। देवर जी, आके सागे सुख का दिन तो बहुत बिताया। आज युद्ध की घड़ी में आकी एक भुजा बढ़कर साथ देने की इच्छा है मारी। मां ने आप पर गर्व है भाभी साहब, आप खुशी खुशी निया जी के सागे जा सको। अठे कोठा में कौन रहे वो? मैं। आप कोठा की चिंता मत करो, कोठा की रक्षा मैं और हीरा कर सिया। बगड़ावता की ताकत को सही ज्ञान आज ताई राणा जी ने नहीं हो, इसलिए तो आज वे बगड़ावता ने ललकारिया है। वे नहीं जाने हैं कि बगड़ावत अपनी आन बाण और वचन की खातर सर कटा तो सके है पर सर झुकावेगा नहीं। जय भवानी, जय भवानी।
पैसा हीरा तू साडू जी कन्ने चार बुझा के मंदिर जा और बाने बता दीजे कि सारी पगड़ावत पत्नियां और 140 बालक वीरता सु लड़ता लड़ता युद्ध में काम आ गया। मैं सवाई भोज करने जा रही हूं, जिंदगी का दो चार पल तो उन रेसा के काट लू। जाओ कम भैसा हीरा जाने सु पहली एक बार मारे गले तो लाग जा, नहीं जाने पछे मिलना होवे ना होवे। नहीं भैसा यहां मत बोलो हीरा, जिंदगी को भरोसा थोड़े हीरा, तुम्हारो बहुत साथी हो, तारो यो कर्ज मैं जिंदगी में नहीं उतार सकूंगी, मने माफ कर चे भाई साहब। यो कर्ज थोड़े हो, यो तो दासी का फर्ज हो। तू दासी नहीं है रे, तू तो मारी सगी बहन सुपी बढ़कर है, तू तो मने प्राणा सुपी प्यारी है हीरा। जा, भगवान मिला है तो फिर मिलांगा, नहीं तो चला राम राम समझ। सवाई भोज के खांडा को वार झेलने की शक्ति तो बड़े से बड़ा सूरवीर में भी कोनी। भोज से खांडा को खेल समझ के बाहर है। भोज की तलवार नहीं जाने कितना सिपाहियों ने मौत के घाट उतार चुकी है। जो खांडो सवाई भोज ने माँ भवानी वरदान में दियो है, जेठे तय ये खांडो सवाई भोज के हाथ में रहेगो, बीने मारनो या बीपर विजय पानो संभव नहीं है। इको मतलब सवाई भोज ने मारने के लिए बिने बी की तलवार सु अलग करनो पड़ेगो, और यो काम छल और कपट सुई कर सका। काल सूर्य अस्त के सागे ही सवाई भोज की सांसा को भी अंत हो जावेगो। लागे है राण का सगड़ा वीर मारया गया या पछे सवाई भोज के डर से छिप गया, जो था औरता ने लड़ने के वास्ते युद्ध मैदान में भेजी है। मारे तो आग ने तो आप मार दियो, अब मैं जी के करांगा, माने भी मार दो। सवाई भोज कमजोर और निर्बल पर आपरी तलवार नहीं उठाया करे, वो तो सदा नारी को आदर और सम्मान कर तो आयो है, उन पर तलवार कहीं उठा सके। सवाई भोज आज तुम मारे चरणा में पड़े हो, अंतिम सांसा गिन रहे हो, आज बगड़ाता की मौत पर आंसू बहाने वालों भी नहीं बचो है। वीरा की मौत पर कोई आंसू नहीं बाया करे है नीमदेव, कोई आंसू नहीं बाया करे है। इतिहास का पन्ना सवाई भोज की वीरता का नहीं, राणा जी की वीरता का बखान करेगा। कपटी गाथा तो बगड़ावत सवाई भोज की वीरता की गाई जावेगी। एक नारी के सम्मान और अधिकार के लिए सगला बगड़ावत हंसता हंसता अपना प्राण दे दिया।
रुक जा नीमदेव। जयमती वीर सवाई भोज की पत्नी है, एक कायर के हाथों से मरना आप रो अपमान समझे। जयमती मने थारे पर गर्व है। ये ओम सूर्याय। साधु जी, हाँ साधु जी, गोठा में सारी बगड़ावत पत्नियां और 140 बालक मारा गया। आंखियां खोलो नाथ, पी के पहले जिंदगी की सांसों की टूट टूट जावे, अगले जन्म में मिलने को वचन दे दो नाथ, वचन दे दो। अगले जन्म में अपन जरूर मिलांगा जयमती, बस यही आस लेकर आज बिछड़ रही हूं। जयमती सवाई भोज की प्रीत बने इतिहास, दो नैना में रह गए प्रिया मिलन रियास। तेरा दिन पछे मैं माला से डूंगरी पर अवतरित होकर थारी गोद आऊंगा, थारी झोलियां खेलूंगा, थन्ने मारी माता कहलाने को पूरा अधिकार होगा। सात भाव की बांझड़ी के आंगड़े पालनो झूले को मने माता कहलाने को सौभाग्य मिलेगा। बगड़ावता को वंश आगे बढ़ेगा, यो मारो वचन है। हे दीनानाथ, आपरी लीला अपरंपार है। आ, 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 आ,
तरह थारो जन्म होयो। राणा जी और नीमदेव थन्ने मरवाने की बहुत कोशिश करी। मैं थन्ने लेकर उज्जैन आ गई और पलक झपकता ही 25 बरस बीत गया। रो मत साडू जी, समझ लो दुख का दिन बीत गया। गोठा में सुख को सूरज पाछो हो गए। माँ, थारो यो बेटो बगड़ा था कि मौत को बदलो जरूर ले गो। अब देव की तलवार की प्यास राणा जी और नीम देव के खून सुई बुझेगी। इक्कीस बरस बीत गया, हाल ताई थारो देव नारायण और साडू जी आया को नहीं। आवेगा, एक दिन जरूर आवेगा। ये दिन थे लोग अठे आने की हिम्मत भी कोनी करोगा। वो दिन तो नहीं आवेगो, हाँ हरी मौत को दिन जरूर आएगो है। अरे मौत सूचे हीरा दासी डरती तो गोठा छोड़ के कदे की चली जाती। तो पछी मरने के लिए तैयार हो जा। चिंता मत कर हीरा मासी, थारो देव आई गो है। मार देव, मार अने मार। नीम देव और राणा जी ने खबर कर दियो कि उनको काल देव नारायण गोठा में आएगो है। साडू जी, छोचू जी, साडू जी, साडू जी, हीरा, हीरा, थारू यो त्याग और समर्पण गोठा और बगड़ावता के लिए महान है। छोचू जी, हीरा, या देव की बिंगनी पीपल दे है। अरे धरती हिल रही है, लागे है भूचाल आयो है। भूचाल नहीं आयो है, गोठा की धरती पर आप दुश्मन बगावत देव नारायण आयो है। राज का सिपाहिया ने तो मार मार मरा कर दिया। अब ये संदेश भेजो है कि आप लोग काल बनकर अठे आयो है। आप काल नहीं, उनो काल बीने अठे खींच कर लायो है। 24 बगड़ावत मारे हाथ आंसू मारिया गया, देव नारायण की क्या विसात। राणा जी के महल में करे चाकरी खांडेरा, सातल पातल को काट के माथो होवे गो आजाद। है याद में आस खांडेराव के लिए क्या क्या है। खांडेराव, आज तारी वीरता और विश्वास की परीक्षा को दिन है, और जो तू परीक्षा में खरो उतरेगो तो जिंदगी का बाकी दिन अठे मान और सम्मान से गुजार सकेगो। खांडेराव को मान और सम्मान गुलामी के ताले में कैद है, रही वीरता और विश्वास की बात तो उनमें खरो उतरने की कोशिश करूंगो। आज्ञा करो। गोठा की धरती पर देव नारायण आयो है, बीने जिंदो पकड़कर लाणो है।
तलवार म्यांसू और वीर घर से निकलिया पछे के होवेगो कोई नहीं बता सके। देव नारायण ने जीव तो या मुर्दो हाजिर कर दूंगो ई बात को भरोसो दे सको। और जो ईसो नी होयो तो समझ लीजो खांडेरा भी दुनिया में नहीं रियो। अभी धरती पर या तो देव नारायण रहेगो या पछे भूणो जी खांडेरा। तो जा, देव नारायण ने जीव तो या मुर्दो पकड़ खेला। जो हुकुम, जय भवानी। अब देव नारायण खांडेराव के हाथा से मरेगो। या पछे खांडेराव देव नारायण के हाथा से मरेगो। बगड़ावत बगड़ावत में मारेगो, भाई भाई के खून से होली खेलेगो। समझ में आई नीलदेव की चाल। भ्रूणा जी, आज बहुत बड़ो अनर्थ होता होता टल गयो। हाँ देव, जे तारा दे अठे आकर या खबर नहीं देती तुम जाने के हो तो। देव, ये हमारी धर्म बहन और राणा जी की कुवरी तारा है। इसी बहन जो राखी के धागा के प्यार के खातर अपने परिवार से भी विद्रोह करके धर्म भाई की जान बचावेगी, इतिहास में तारा जैसी बहन को नाम सदाई मान और सम्मान सुलियो जावेगो। बहन, थारे एहसान मारे ऊपर एक करज है। नहीं बीरा, बहन तो सदा भाई के लिए शुभ ही सोचा करे है। बहन को प्यार भाई के लिए करज कहिया हो सके है। बेटी, आज तू दो भाइयों को खून बहनों से बचायो है। मैं और गोठा की धरती थारो यो उपकार सदा याद रखेगी। साधु मां, मैं आपरो भूणो। अरे भूणा, कितना बड़ो हो गयो है तू। थारी शक्ल 20 बरस तुम्हारी आख्या में खटक रही है और थारी हंसी मारे काना में गूंज रही है। आज थारी हंसी को जवाब मारी तलवार देवेगी। चिंता मत कर, आज भी थारी मौत पर भी आई हंसूंगो। हंस नीमदेव, हंस। हस, 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 ह
थाने जीव तो छोड़ बहुत बड़ी गलती करी, लागे आज तुम्हारी गर्दन ही काटनी पड़ेगी। अटल, या उंगली काट कर तू मन्ने गुलाम बनाया हो, इसके बदले में थारा प्राण लेकर मैं ही गुलाम से मुक्त हो जाऊंगा। अटल मारी आजादी है। आज खंडेराव आजाद होयो। अच्छा भाई देव जी, आपने एक बहन जी सौगन, एक बहन एक भाई, सो आपने पिताजी की जिंदगी की भीख मांग रही है, अने माफ कर दो। हाँ देव, तारा के खातर राणा जी ने माफ कर दे। राणा जी, भाई भूणा जी और बहन तारा के कारण आज मैं आपकी जान बख्श रही हूं। देव नारायण जी, आप महान हो, महान आत्मा ही दोषी ने क्षमा कर सके हैं। आप उम्र में बड़ा हो, आपने यो शोभा नहीं देवे। आपसे एक विनती है। आज्ञा करो, आपको यो दास माथो काट कर आपके चरणा में राख देवे को। गाय चरने के लिए आपने गोचर भूमि देनी पड़ेगी। हर जाति के इंसान ने मंदिर में जाने और पूजा करने को अधिकार देना पड़ेगा। किसानों को लगान माफ करना पड़ेगा। राज के खर्चे पर सभी ने शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। देवनारायण की जय, देवनारायण की जय। या तारा ही है खंडेराव, जो आपा दोनों बगड़ावत भाया ने मिलाया है। ई बहन रो एहसान में कहीं भूल सकूं हूं खंडेराव। आओ भाई, चलो। हाँ। देव कोठा छोड़कर जा रहा है, चलो चलो। अरे हाँ चलो 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 चलो। वक्त सभी बेचैन हुए सुन कर के ये बात, देव लोक को देव चले गोठा छोड़ के आज। माँ, अब मारो कॉल पूरो होयो, थारे देव ने विदा कर। बेटा, तू तो हमारे बुढ़ापे को सहारो है,
जे तू ही चालो जावे को तो मेरो के होवे को देव। माँ थारी ममता का आंसू अनमोल है। मत रोको रे आज मुझे है जाना। हंस के विदा करो रे मुझको, हंस के विदा करो रे मुझको, आंसू नहीं बहाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। दिल है मेरा ठिकाना, क्यों रोवे माँ जो आया है उसको एक दिन जाना। हंस के विदा करो रे मुझको, हंस के विदा करो रे मुझको, आंसू नहीं बहाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। मतलब इसे बताना, सत्य अहिंसा की राहों पर चलना इसे सिखाना। हंस के विदा करो रे मुझको, हंस के विदा करो रे मुझको, आंसू नहीं बहाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। मत रोको रे आज मुझे है जाना। जन की
मुझे प्रेम करते हो तो दुखियों को गले लगाना, धर्म और जाति के नाम पर कभी न बैर बढ़ाना, हंस के विदा करो रे मुझको, हंस के विदा करो रे मुझको, आंसू नहीं बहाना, मत रोको रे आज मुझे है जाना, मत रोको रे आज मुझे है जाना, सबको राम 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 मेरी राम राम राम, सबकी राम 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 अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम